नमस्कार, मैजिक किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू के समोसे, एकदम खस्ता और कुरकुरे और स्वादिष्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप मैदा ली है वजन में 125 ग्राम, एक चम्मच अजवाइन ली है हाथों से क्रश करके डाला है, और 1/3 चम्मच नमक, 1/4 कप घी और हल्का गुनगुना गर्म पानी यूज करेंगे इसके लिए। मैदा को मैंने पहले छान लिया था और इसको घी को डालने के बाद देखिए इस तरीके से मुट्ठी बंद हो जानी चाहिए, तो हमारा मोइन सही है बिल्कुल। और गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम पूरी जैसा डो लगाएंगे। बहुत थोड़ा सा ही पानी लगेगा इसमें, नन्ना नन्ना थोड़ा थोड़ा, ये दो दो बूंद पानी लेके डालते हुए इसको डो लगा लेंगे। इसको ढक के रख देते हैं हम आधा घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है, इतनी देर में हम पिट्ठी बना लेते हैं समोसे के लिए। तो ये मैंने बड़े आकार के दो उबले हुए आलू लिए हैं और आलू को कद्दूकस कर लिया है, बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है आधा चम्मच, आधा चम्मच गर्म मसाला, 2 पिंच हींग, 1/3 चम्मच सफ़ेद नमक और खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया को पहले काट के धो लिया है और मसाले को अच्छे से पिट्ठी को मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे पिट्ठी में गर्म नहीं होने चाहिए, ठंडे आलू होने चाहिए, नहीं तो पिट्ठी हमारी पतली हो जाएगी। पिट्ठी हमारी बनकर तैयार है। और इधर में आधा घंटा हो गया है, ये हमारा आटा भी तैयार है। थोड़ा और मसल लेते हैं इसको, और मसलने के बाद थोड़ा और खींच खींच के मसलेंगे इसको, जिससे एकदम सॉफ्ट और कुरकुरे बनेंगे हमारे समोसे। इसकी हमने लोई बना ली है, और लोई बनाने के बाद रोटी से थोड़ी बड़ी आकार की, हल्के से बड़े आकार के लिए है, लोई को हम अच्छे से बेल लेते हैं। और लोई बेलने के बाद इसको थोड़ा और बेल लेते हैं, जितनी पतली होगी उतना ही अच्छा समोसा आएगा। अगर मोटा बेलेंगे तो परत मोटी मोटी हो जाएगी और समोसे खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। इसको बेल लिया हमने, और बेलने के बाद इसको पहले बीच में से कट करेंगे, फिर दोबारा से बीच से कट करेंगे, और इसी तरीके हम इसके 8 भाग करेंगे। एक ही बार में हम 8 समोसे बनाएंगे छोटे छोटे। सभी पे थोड़ी थोड़ी पिट्ठी रख देंगे आलू की जो बनाई हमने, और सारी पिट्ठी रखने के बाद एक एक उठाएंगे, साइड से जॉइंट करेंगे और इस तरह से खींच के इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे और दोनों साइड से बंद कर देंगे। देखिए एक ही बार में बनेंगे 8 समोसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके समोसे कैसे बने। अगर आपको पसंद नहीं भी आए, अच्छे भी नहीं बने, तब भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी, उसमें सुधार किया जाएगा। बहुत ही अच्छे समोसे बनेंगे वैसे, एकदम खस्ता और कुरकुरे और स्वादिष्ट। इसी तरीके से सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैं आपको 2-3 इसलिए दिखा रही हूँ कि थोड़ी सी शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ये हमारे समोसे बनकर तैयार हैं। देखिए तेल हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही गर्म करेंगे कि देखिए हल्की सी भाप सी आए। देखिए इस तरीके से हल्की हल्की बूंदें आ जाएंगी उसमें। अब इसी जब हमारा हम टूथपिक डाल के देखेंगे तो हल्की आने के बाद उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके सारे समोसे छोड़ देंगे। और सारे समोसे छोड़ने के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे समोसे खस्ता नहीं बनेंगे, ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए हमारे समोसे सिक गए हैं, एकदम हल्के गोल्डन हो गए हैं। थोड़ा वक्त लगता है सिकने में मीडियम फ्लेम पर, निकाल लेते हैं थोड़ा छान के। सारे समोसे हमारे सिककर तैयार हैं।
आलू के छोटे छोटे समोसे घर पर बनाइए, परिवार के साथ खाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।